ढलेगी शाम जब कुछ नजर न आएगा, उसके बाद फिर घर बहुत याद आएगा। घर, घर हर इंसान का एक सपना होता है और घर हम सबके जीवन को खास बनाता है। शाम होते ही इंसान को अपना घर याद आता है, तो जो घर हमें खास बनाता है उस घर को भी हमें खास बनाना पड़ता है। उस घर को हम खास कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, शंभू होम डेकोर के संग हम अपने घर को खास बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, 22 साल से ज़्यादा होम डेकोर के फील्ड का जो विश्वास है उसको कायम रखते हुए शंभू सेरा आर्ट से वो अपना नया जो साहस है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो है शंभू होम डेकोर। तो 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स और 2000 से ज़्यादा डिज़ाइंस के साथ मोरबी में शंभू होम डेकोर आज अपनी नई ब्रांड लॉन्च कर रहा है, उसका आज ओपनिंग है। तो आइए चलकर उसकी विजिट करते हैं, जाकर देखते हैं उसमें क्या खास है। और शंभू होम डेकोर है, उसका डिस्प्ले जो है उसकी आज हम विजिट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे शंभू होम डेकोर की है जो पूरी टीम है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए सभी लोग हैं यहाँ पे हमारा वेलकम करने के लिए आज खड़े हैं। और इसके साथ इन सभी लोगों के जो शंभू होम डेकोर की टीम है उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम जाकर देखते हैं कि शंभू होम डेकोर के प्रोडक्ट्स कैसे खास है और क्या इसमें नया है और कौन कौन सी ब्रांड है, कौन कौन सी प्रोडक्ट है वो शंभू होम डेकोर लेके आए हैं। चलिए आइए डिस्प्ले की तरफ जाकर, डिस्प्ले की ओर जाके हम देखते हैं शंभू होम डेकोर। तो ये पूरा जो एरिया है वो ये ऑफिस का एरिया है और यहाँ पे ऑफिस और मैनेजिंग जो डायरेक्टर्स है वो सभी लोगों का ये सामने की तरफ देख रहे हैं, वो रिसेप्शन एरिया है। और आगे अभी हम एंटर हो रहे हैं डिस्प्ले में। तो ये पूरा जो एरिया है वो शंभू होम डेकोर का शानदार डिस्प्ले जो बना हुआ है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक से एक बढ़कर एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट है उसमें क्या खास है वो हम टीम के साथ बातचीत करते हैं। नमस्कार, मोरबी अपडेट में आपका स्वागत है। आपका नाम बताइए और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपके पास है और शंभू होम डेकोर जो है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मयूर पटेल है। शंभू होम डेकोर हमारा ये डेकोरेटिव आइटम्स के, आपको घर के लिए जो भी टाइल्स चाहिए डेकोरेटिव में सब चीज़ हमारे पास है। छोटे से छोटी साइज़ के लेके बड़ी साइज़ तक आपको सब एक जगह अवेलेबल हो जाएगा। इंडोर है, आउटडोर है, सीढ़ी के लिए स्टेपराइजर चाहिए, स्कर्टिंग बॉर्डर चाहिए, कोई भी चीज़ आपको नया घर बना रहे हो तो कोई भी चीज़ आपको सब चीज़ एक जगह अवेलेबल हो जाएगी। और इस फील्ड में डेकोरेटिव टाइल्स में हमारा ग्रुप करीबन 22 साल से काम कर रहा है। हमारा इस चीज़ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप जान नहीं सकते हो हमारा एक्सपीरियंस के अनुभव से कि सब चीज़ की क्वालिटी कैसी होगी। बिल्कुल सर, और हम देखते जाते हैं और आप हमें बताता जाइए उसके बारे में कौन कौन सी प्रोडक्ट में क्या क्या विशेषता है। देखिए, ये जो आप देख रहे हो इसको हाई ग्लोस पोस्टर बोलते हैं। इसमें छोटे साइज 12-18 अवेलेबल है, 2x3 है। इसमें भी अलग अलग कर तरह का आता है। मानो ये देखो, आपको दिखाता हूँ मैं, ऐसा एम्बोज आता है टाइल्स के ऊपर, पूरा है ना मूर्ति उपसा हुआ आता है। ये पूरा नया ट्रेंड है अभी मार्केट में, अभी ये सब अच्छा चल रहा है ज़्यादा है। ओके, और इसमें ज़्यादातर देख रहे हैं कि लोग घर में डेकोरेटिव टाइल्स जो है उसमें गोड जो है वो, और जो किचन होता है उसमें अलग टाइल्स होते हैं, और जो लिविंग रूम होता है उसमें अलग, तो हर प्रकार के टाइल्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है? हमारे पास हर प्रकार के टाइल्स अवेलेबल है। मानो कोई मंदिर या पूजा रूम बना रहे हो घर में अलग से आप, तो उसके लिए ये भगवान का पिक्चर वो सब अवेलेबल रहेगा। कोई अलग से मानो किचन के लिए आपको हाईलाइटर चाहिए तो वो सब मिल जाएगा। बाथरूम के लिए अलग से सीनरी चाहिए तो वो सब अवेलेबल हो जाएगा। और वो कोई भी साइज़ में, मानो 2x3, 2x4, 12x18, आपके बाथरूम के साइज़ के हिसाब से आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो कुछ भी जी। और ये जो डिस्प्ले रखा है उसमें कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास है और कितनी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं?
मानो ये सब कैटेगरी मिला के हमारे पास मोर देन 50 कैटेगरी है, 50 से ज़्यादा अलग अलग टाइप का हमारा काम है। और सब मिला के आप डिजाइन देखोगे तो हमारे पास 2000 से ज़्यादा करीबन डिजाइन से सब चीज़ मिला के। ओके तो आप बदा जो ही रहा है, हम सब देख सकते हैं यहाँ पे जो शानदार डिजाइन और प्रोडक्ट्स जो है शंभू होम डेकोर की, वो यहाँ पे डिस्प्ले में रखी हुई है। और ये जो पूरा का पूरा जो हम देख रहे हैं सारा डिस्प्ले, ये जो प्रोडक्ट्स है वो आप ही उसका प्रोडक्शन आप ही करते हैं, प्रोड्यूस आप ही करते हैं? ये सब चीज़ मैं जो आपको अभी डिस्प्ले में दिखाने वाला हूँ, सब चीज़ का अपना होम प्रोडक्शन है। सभी चीज़ अभी एक ही जगह यहीं पे बन रहा है अपना, यहाँ पे ये सब डिस्प्ले एरिया है, पीछे ही अपना ये प्रोडक्शन यूनिट है, सब एक जगह आपको अवेलेबल मिलेगा। और घर बनाने की जब बात हो रही हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है वो होम डेकोर, उसमें भी टाइल्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो टाइल्स की पसंदगी है वो अच्छे से हो, ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाके भी देखते हैं क्या क्या और ख़ास है हमारे यहाँ। यस, वो सामने जो है वो हम देख रहे हैं स्टेपराइजर्स, आप देख सकते हो। कोई भी घर बना रहा है तो उसमें सीढ़ियाँ तो आएगा ही, लगेगा ही, ये सब सीढ़ी के लिए यूज़ कर सकते हो, इसको स्टेपराइजर बोलते हैं। इसमें भी अलग अलग साइज़ अवेलेबल रहेगा, मानो कोई छोटा सीढ़ी है तो 3 फीट का चौड़ाई वाला आता है, 4 फीट आता है, अलग अलग वेराइटी आता है। मानो ये विट्रीफाइड है, इसमें और फुल बॉडी का टाइल्स आता है, हर तरह का आपकी रेंज के हिसाब से सब चीज़ अलग अलग अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। और ये जो है ये सभी टाइल्स है वो ये इसका साइज़ कौन सा है? ये 4 फीट बाई 6 फीट का पूरा पोस्टर है, 3 पीस का आता है। कोई भी पोस्टर आपको चाहिए, कोई भी, मानो अभी आप देख सकते हो तो ये श्री राधे कृष्ण का है, ये शिवाजी महाराज का है, और इसके अलावा भी आपको कोई भी चाहिए आपके एरिया के हिसाब से, कहाँ पे भी कोई भी डिजाइन चल रहा हो तो वो भी हम आपको 4x6 में भी बना के दे सकते हैं। और इस तरफ ये रखा है, ये क्या है? ये हम नीचे देख सकते हैं, इसको विट्रोसा रंगोली बोलते हैं। ये सब ये फ्लोरिंग के लिए बीच में यूज़ कर सकते हो, मानो कोई भी आपका लिविंग रूम का एरिया है तो बीच में आप मानो 4 या 5-6 पीस लगा के टिपाई का जो आता है साइज, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो फ्लोरिंग में। और ये इसको ये सब चीज़ों को विट्रोसा वेल बोलते हैं। मानो कोई जगह आपका कॉलम आ रहा है तो कॉलम में आप बाकी टाइल्स नहीं लगा सकते कटिंग करके, उसकी जगह ये डेकोरेटिव आइटम्स बड़ा अच्छा लगेगा। कॉलम आपकी कॉलम की साइज़ के हिसाब से, इसमें भी 8-12 है, 10-15 का साइज़ है, 12-18 है, अलग अलग साइज़ अवेलेबल रहता है। ठीक है। और इस तरफ जो रखा हुआ है पूरा डिस्प्ले, यहाँ पे सेपरेट डिस्प्ले बना हुआ है, ये सब कौन सा प्रोडक्ट? ये सब चीज़ को विट्रोसा गोट बोलते हैं। मानो इसमें ये 2x2 का साइज़ है, 12-18 है, ये देखिए आप, विट्रोसा मतलब ये ऐसा पूरा एम्बोज आता है, जो मूर्ति है भगवान का वो पूरा टाइल्स से सरफेस ऊपर आएगा। और ये सब लाइफ टाइम है, आउटडोर में भी लगा सकते हो, इंडोर में भी लगा सकते हो, ये एक बार लगाया तो टाइल्स को कुछ होगा नहीं, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है ये सब। इस तरफ देखते हैं, ये क्या है? इसको स्कर्टिंग बॉर्डर बोलते हैं। मानो आपका दीवार और फ्लोरिंग का जो एज आता है वहाँ पे ये चीज़ यूज होता है। आप सेम कलर का भी कर सकते हो टाइल्स के मैचिंग के साथ, अलग अलग कलर का भी यूज़ कर सकते हो, बहुत रेंज मिलेगा इसमें, वो 4 इंच आएगा, 3 इंच आएगा, सब अलग अलग चीज़ आता है इसमें। और ये टाइल्स का कहाँ पे उपयोग होता है? ये सब मानो विट्रोसा गोट पिक्चर्स बोलते हैं, इसमें ये सबसे छोटी साइज ये आती है, 6 इंच बाई 6 इंच है, 6x6, 8x12, 10x15, इसमें बड़ा साइज 4x6 तक, वो आईग्लोस पोस्टर मैंने दिखाया वो सब चीज़ है। छोटा या बड़ा कोई भी चीज़ चाहिए आपको सब एक जगह मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और ये कुछ खास प्रोडक्ट्स लगता है, ये क्या है? ये इसको डायमंड गोट बोलते हैं। मानो बेस इसका टाइल्स का आता है, इसके ऊपर ये लाभ शुभ लिखा हुआ है या गणपति है, वो सब एम्बोज पूरा आता है मूर्ति की तरह। ये सब इंडोर का प्रोडक्ट है, ये इसको आप कभी कोई भी अलग अलग साइज में आपके एरिया के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। इसको बोलते हैं डायमंड गोड। डायमंड गोड, राइट। ओके, तो ये सामने की तरफ भी हम देख सकते हैं कि गोड के अलग अलग जो पिक्चर्स है वो रखे हुए हैं। हाँ, उसमें कौन कौन से साइजेस अवेलेबल है? इसमें देखो ये छोटा साइज है, 12-18 है, उसमें भी देखो इस तरह से एम्बोज भी है और आई ग्लोस में ऐसा ऊपर से ग्लिटर वर्क या जरी वर्क बोलते हैं, ऐसा क्वालिटी भी आता है। ये सब साइज़ में अवेलेबल है, मानो 12-18 में चाहिए, 2x2 में, 2x3 में, कोई भी साइज़ में आपको चाहिए तो वो बनवा के दे सकते हैं। तिरुपति बालाजी है, जगन्नाथ जी है, और महादेव है, सबसे मिलेगा आपके पास। हमारे पास पूरा इंडिया का कलेक्शन है, इससे अलावा हम
एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आपको कोई भी कंट्री में से कोई भी जगह से हो आप, तो आपके एरिया का डिजाइन यहाँ पे सब मिल जाएगा। आपका नेटवर्क भी शंभू होम डेकोर का जो है वो पूरे भारत में फैला हुआ है। हमारा ज़्यादातर व्यापार सब राज्यों में होता है, सभी जगह हो रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट भी है, कई कंट्री में मोर देन 10 कंट्री से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट का काम भी है। ये देखो, ये 2x2 में एम्बोज है जो मैंने दिखाया वैसा, राइट। इसमें भी सभी गोड ही ज़्यादातर इसमें दिखने को मिल रहे हैं। एम्बोज में क्या है, ज़्यादातर गोट का चलन ज़्यादा है। हाँ। बाकी और चीज़ इसके अलावा, गोट के अलावा ऐसा भी किचन के लिए हाईलाइटर भी आएगा, वो सब भी मिल जाए। तो हम देख सकते हैं कि जो स्पेशल प्रोडक्ट्स शंभू होम डेकोर की यहाँ पे रखी हुई है, और पूरा जो ये उसका यूनिट है शंभू होम डेकोर का, वो डिस्प्ले है पूरे बहुत ही फैला हुआ है, 2 मंजिले में फैला हुआ है। तो अभी तो हमने 1 मंजिला ही कवर किया है, अभी चलिए ऊपर जाके देखते हैं उसमें क्या खास है। ऊपर कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है हमारे पास? हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के डिस्प्ले में पूरा डेकोरेटिव टाइल्स का कलेक्शन है। मानो गोल्डन हाईलाइटर है, गोल्डन सिल्वर टाइल्स है, गोल्डन बॉर्डर है, गोल्डन सिल्वर बॉर्डर है, और ये सब चीज़ टेबल टॉप वॉश बेसिन के लिए जो यूज़ होता है वो सब है। मानो पूरा गोल्डन सिल्वर वाला ये सेक्शन है, राइट। तो इधर से देखते हैं हम, ये क्या है? इसको गोल्डन हाईलाइटर बोलते हैं। ये ज़्यादातर 12-18 की साइज़ में, 12-24 की साइज़ में अवेलेबल रहता है। ये सब आप घर में कहीं पे भी लगा सकते हो, मानो लिविंग रूम में टीवी यूनिट बनाया है, या फिर वॉशरूम में, बाथरूम में, कहीं पे भी लगा सकते हो। राइट, बहुत बढ़िया। और ये सभी सेम प्रोडक्ट ही है? हाँ, ये सब सेम प्रोडक्ट ही है, उसमें डिजाइन अलग अलग रहता है सब चीज़ का, बाकी ये सब का प्रोसेस सब सेम ही है। ओके, राइट। और एक बात जो मैंने नोटिस की, स्टेपराइजर जो है उसकी भी बहुत वाइड रेंज आपके पास अवेलेबल है। हम देख सकते हैं जितनी टाइल्स है उतनी ही रेंज में स्टेपराइजर जो है वो आपके पास अवेलेबल है। और ये सब है वो भी, इसको क्या बोलते हैं? इसको टेबल टॉप या वॉश बेसिन बोलेंगे। और आप स्टेपराइजर का बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हर स्टेट में अलग अलग टाइप का कलर चलता है, तो हमारा पूरा इंडिया में मार्केट है, तो उस हिसाब से हमको अलग अलग कलर सब कवर करके रखना पड़ता है। कई स्टेट में कोई डिजाइन चलेगा, दूसरी जगह नहीं चलेगा, ऐसा होता है। तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा बढ़ाना होता है। ओके, इस तरफ जाएंगे हम और आगे भी देखते हैं क्या खास है यहाँ पे। ये सब बॉर्डर्स है? ये सब, इसको गोल्डन बॉर्डर बोलते हैं। इसमें भी अलग अलग साइज, मानो 10 mm से लेके 4 इंच तक का चौड़ाई आता है। इसको गोल्डन बॉर्डर 12x2.5 इंच है। ये मानो आप कोई भी मंदिर बनाया है या घर में कोई पूजा रूम अलग से बनाया है, तो वो सब में यूज़ कर सकते हो आप, उसमें गोल्डन बॉर्डर लगता है। और ये सब चीज़ टाइल्स के बीच में लगता है। मानो आप किचन में कोई भी हाईलाइटर लगा रहे हो, तो एक लाइन किचन में टाइल्स का किया, उसके बाद एक बॉर्डर का लगेगा, एक टाइल्स का लगेगा, ऐसे भी कर सकते हो। वो आप अपनी तरीके से कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हो उसमें। बहुत बढ़िया। और सामने जो इस तरफ है ये क्या है? ये सब गोल्डन हाईलाइटर ही है, ये सिल्वर कलर में है। आपके आगे जो देखा वो गोल्डन टोन में था, ये उसी टाइप का डिजाइन है लेकिन सिल्वर टोन में है। कई जगह गोल्डन चलता है, कई स्टेट में सिल्वर का अच्छा डिमांड रहता है, तो हमें सब मेंटेन करना रहता है। राइट, और ये सब भी रनिंग पोस्टर्स जो है वो हम देख सकते हैं। ओके, और इस तरफ ये कौन सा प्रोडक्ट है? इसको भी गोल्डन हाईलाइटर ही बोलते हैं, लेकिन ये सब क्या है, हमारे कई एरिया में कस्टमर मुस्लिम लोग भी रहते हैं, तो उसके हिसाब से ये डेवलप किया हुआ डिजाइन है, तो उसके एरिया में ये सब ज़्यादा चले गए जैसा। और सर हमें ये बताइए कि शंभू होम डेकोर जो है, वैसे तो आप शंभू सेरा 8 से जाने जाते हैं, पर अब आप ये नई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं शंभू होम डेकोर, तो कस्टमर क्यों शंभू होम डेकोर पर ही क्यों अपनी पसंदगी उतारे? मानो आपने जो मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा पुराना फैक्ट्री शंभू सेरा 8 है, और ये डेकोरेटिव आइटम्स में हमारा 22 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीज़ में हमारा मानो एक मोनोपोली जैसा हो गया है कि सब चीज़ में अपना हाथ जिसमें लगा है वो खरा सोना ही है। आप सोने की बात कर रहे हैं तो सोना ही है, ऐसा ही समझ लीजिए। और क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि मकान बनाने में बहुत चीज़ का लगता है, टाइम भी लगेगा आपका, पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, हर चीज़ का वो कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो
कभी कोई भी कस्टमर के लिए प्लस पॉइंट ये है कि कुछ भी चीज़ उसको डेकोरेटिव टाइल्स के लिए चाहिए वो सब एक जगह अवेलेबल हो जाएगा जी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि शंभू होम डेकोर जो है वो डेकोरेटिव टाइल्स के फील्ड में जवेरी है। आपने बोला कि वो सोना हो जाता है जिसको आप टच करते हो। बहुत बढ़िया। ये भी कुछ सोने की बात कर रहे हैं तो ये सामने कुछ गोल्डन आ गया, ये क्या है? ये भी गोल्डन हाइलाइटर ही है, ये सब 12-24 में अलग डिजाइन है। ये पूरा जोन है वो हाइलाइटर ही का एरिया पूरा गोल्डन का ही है। अच्छा। इसमें बहुत वाइड रेंज में रहता है, डिजाइन सब अलग अलग रहता है लेकिन कैटेगरी गोल्डन हाइलाइटर बोलते हैं उसको। ये सभी प्रोडक्ट कुछ खास लग रहे हैं, ये क्या है? इसको विट्रोसा गोल्डन हाइलाइटर बोलते हैं कि मानो ये आपको दिखाता हूँ ऐसे, ये देखो पूरा एम्बोज किया हुआ आता है, बेस टाइल्स प्लेन रहता है इसके ऊपर पूरा एम्बोज आएगा और इसके ऊपर गोल्ड किया हुआ है। तो इसका प्रोसेस वो सिंपल हाइलाइटर से पूरा अलग होता है। राइट। और ये जो टाइल्स है वो कहाँ पे यूज होता है जनरली? ये मानो ज़्यादा फुल गोल्ड वाला टाइल्स पूजा रूम में या मंदिर में करते हैं यूज़, बाकी आप टीवी स्टैंड में भी कर सकते हो। और प्लस पॉइंट क्या है गोल्डन हाइलाइटर गोल्डन बॉर्डर का सबका, कि ये सब परमानेंट है, एक बार प्रोसेस हो गया तो उसके बाद निकलने का या कुछ डैमेज होने का चांसेस नहीं है। आप बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हो कोई भी डिजाइंस, इसमें हर रोज़ आप पानी से साफ करो, एसिड से भी साफ कर सकते हो, कुछ नहीं होगा, लाइफ लॉन्ग ये ऐसा ही रहेगा। इस तरफ भी देख लेते हैं क्या क्या खास है यहाँ पे, ये प्रोडक्ट सारे इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। इसको किचन सिंक बोलते हैं, इसमें अलग अलग वेराइटी है, मानो क्वार्ट्ज सिंक है या स्टील सिंक है, वो सब भी अलग अलग बन जाएगा। आपको किचन में प्लेटफॉर्म के पास जो आता है किचन सिंक, उस तरह का आइटम है ये सब। और जो नीचे हमने वो एक रंगोली का डिपार्टमेंट देखा, तो हम जिस पे अभी खड़े हैं व्यू, ये सभी टाइल्स है तो ये भी उस टाइप का ही प्रोडक्ट है? नीचे जो दिखाया था उसको विट्रोसा रंगोली बोलते हैं और इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, इसको गोल्डन रंगोली बोलते हैं या फिर कारपेट टाइल्स बोलेंगे। इसमें देखो वैसे ही जो हाइलाइटर में दिखाया ऐसे ही गोल्डन जैसा वर्क आता है सब में। हाँ। और तो पॉलिशिंग आता है ये। तो टाइल्स के हिसाब से यदि मैच करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब भी आपका अभी ये सब भी आपका प्रोडक्शन है या इंक्लूडी है? ये सब क्या है, हमारा भी ग्रुप कंपनी है। okay. उसी का प्रोडक्शन है, कोई भी कस्टमर को क्या है ये सब चीज के साथ ये चाहिए ही होता है, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है, सब एक जगह अवेलेबल रहता है सब। और ये भी स्कर्टिंग बॉर्डर है जो नीचे दिखाया था वैसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा हमने डेवलप किया हुआ है अलग से, हमारा पंच और सब बनाया हुआ है, ये सब चीज़ हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट में चलता है आउटर कंट्री में। हाँ, तो वैसे तो होम डेकोर की बात कर रहे हैं तो टाइल्स ज़्यादातर यहाँ पे है, पर आपको और भी कोई घर में कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो वो भी आपको यहाँ पर ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उसके द्वारा मिल जाएगा, उसके हिसाब से जो आपके टाइल्स है उसके हिसाब से। ये लाइव किचन बनाया हुआ है शायद? ये पूरा बाथरूम का सेटअप किया हुआ है, बाथरूम का सेटअप है। देखिए इसमें पूरा दीवार में आप ऐसे गोल्डन हाइलाइटर लगा सकते हो, फ्लोरिंग के लिए अलग से फ्लोर का भी गोल्डन किया हुआ है, आप देख सकते हो ये। और उसके साथ कैबिनेट टेबल टॉप, मानो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये डिजाइन में चूज करूँगा तो आपके घर में कैसा लगेगा, पूरा आपको व्यू मिल जाएगा इसका। और यहाँ पे भी एक वॉल बनाई हुई है उसी के हिसाब से? उसी के हिसाब से है, मानो ऐसा आप कोई भी दीवार में करना चाहते हो, लिविंग रूम में कोई भी दीवार आपने ऐसा कर दिया, बीच में पोस्टर लगा सकते हो या फिर पोस्टर की जगह मानो आपका टीवी आ गया तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पूरा दीवार कैसा लगेगा। और भी बाथरूम में हमारे पास मॉडल्स है अलग अलग डिजाइंस के। तो डेकोरेटिव टाइल्स का जो लार्ज कलेक्शन है, लार्ज रेंज है, वो शंभू होम डेकोर लेके आया है। तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं जो लाइव, यदि बाथरूम में हमें टाइल्स लगाना है डेकोरेटिव टाइल्स तो वो कैसा लगेगा, वो यहाँ पे एक सैंपल तैयार किया हुआ है। और लास्ट सेगमेंट जो है यहाँ पे हमारा डिस्प्ले का, उसके तरफ जाके हम देखते हैं ये सब कौन सा प्रोडक्ट है। इस सब को GVT पोस्टर या विट्रीफाइड पोस्टर बोलते हैं, और नीचे दिखाया उसको आइग्लोस पोस्टर बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट रहता है, ये सब आउटडोर की चीज़ है, और जो नीचे दिखाया था एम्बोज है आइग्लोस है वो सब इंडोर के लिए है। तो ये सभी सेम प्रोडक्ट्स ही है?
हाँ सेम प्रोडक्ट ही है, लेकिन अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग जगह आप एप्लीकेशन कर सकते हो। मानो किसी को आउटडोर का चाहिए, कोई किसी का इंडोर का रिक्वायरमेंट रहता है, तो सब जरूरियात के हिसाब से, अपनी जरूरियात के हिसाब से, कस्टमर के जरूरियात के हिसाब से सब अवेलेबल हो जाएगा। मानो ऐसा कोई डिजाइन है बच्चों को खेलने के लिए, तो वो भी बनाया हुआ है, सांप सीढ़ी है, लूडो है, चेस है, वो भी मतलब एक वन टाइप ऑफ कस्टमाइज्ड डिजाइन कह सकते हैं उसको। हाँ वो आईग्लोस में क्या है, एरिया के हिसाब से या कोई कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं। चाइल्ड रूम स्पेशल बना रहे हो तो उसमें ये सब बहुत ही काम लगता है। चाइल्ड रूम में या कोई भी आपको, आप कोई अलग थीम से कर रहे हो तो थीम के ऊपर जो डिपेंड है, आपको ऐसा पोस्टर चाहिए कोई भी, तो उसमें डेवलपमेंट हो सकता है। ये कौन सा साइज है? ये 2x4 है, इसको भी GVT पोस्टर ही बोलते हैं। आगे जो देखा था वो 2x3 का साइज था, इसमें भी 2x2, 2x3, 2x4 अलग अलग साइज अवेलेबल रहता है। और आगे क्या दिखाएंगे? हाँ सामने भी दे सकते हैं। ये क्या बनाया हुआ है? मानो ये भी ऐसा किचन का कॉन्सेप्ट है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो आप देख सकते हो उसमें क्या कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये तो अभी टेबल टॉप रखा हुआ है, उसकी जगह आपका किचन सिंक आ जाएगा। पूरा प्लेटफॉर्म ये वुडन का है, उसकी जगह आपका ग्रेनाइट आ जाएगा, तो पूरा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका किचन कैसा लगेगा। है बिल्कुल। ये स्कर्टिंग बॉर्डर है, ये छोटी 24x4 है, जो नीचे दिखाया था वैसा ही है। और इसके बगल में जो ये है, इसको विट्रोसा बॉर्डर बोलते हैं, छोटी साइज में आता है 8x3। ये आप ज़्यादातर मंदिर में और वो जगह यूज होता है। ये सामने रखा है, ये क्या है? ये सब क्या है, हमारा नया डेवलपमेंट है, अभी अभी नया बनाया हुआ सब हाईलाइटर है, गोल्डन है ये। तो ये सब फ्रेश रेंज है? हाँ ये सब पूरा फ्रेश रेंज है हमारा। क्या है, ये सब चीज़ का ज़्यादातर एक्सपोर्ट भी होता है, तो एक्सपोर्ट में क्या है, कई बार कस्टमाइज डिजाइन बनाना पड़ता है, तो उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना, कई बार नए नए पंचेस और डिजाइन आते रहते हैं, तो वो हम अपने कस्टमर को डोमेस्टिक में भी देते हैं उस हिसाब से। सेम है जो ये, हाँ, ये जो है वो हमने सामने देखा, अलग डिजाइन है उसका, डिजाइन से अलग अलग। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं आपने बोला? इसको स्कर्टिंग बॉर्डर बोलेंगे या बॉर्डर पट्टा बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिस्प्ले जो था वो हमने देख लिया, और भी कुछ बाकी रहता हो शायद, यहीं से स्टार्ट किया था ऊपर का, तो यहीं पे हम यहाँ महादेव के पास आके हमारा जो ये आज का हमारा वीडियो है वो एंड करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा शंभू डेकोरेटिव होम टाइल्स। जी सर, आप लोगों की पूरी टीम है, तो आप कोई मैसेज और देना चाहते हो लोगों से, हम अपना वीडियो कंप्लीट करें उससे पहले कुछ बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। आ जाइए सर, इस तरफ आ जाइए। यस, मैं कस्टमर से यही कहना चाहता हूँ कि आपको ये पूरा डिस्प्ले दिखा दिया, आपको हर टाइप का डेकोरेटिव आइटम्स में जो भी चाहिए वो सब दिखा दिया। कोई भी आपको, कोई भी नया घर बना रहे हो तो कुछ भी चीज़ आपको चाहिए, तो आपके लिए एक ये विकल्प रहेगा सबसे बेस्ट, शंभू होम डेकोर, जिसमें एक ही जगह आपको सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, आपको कहीं दूसरी जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, सब एक जगह हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमने आज खास देखा शंभू सेरा आर्ट्स का जो नया ब्रांड लॉन्च हुआ है शंभू होम डेकोर, तो उसके दोनों फ्लोर के जो डिस्प्ले है उसका हमने विजिट किया। तो मोरबी अपडेट के बिजनेस प्रमोशन शो में आज बस इतना ही। शंभू होम डेकोर की आप एक बार विजिट करना, आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा और आपका होम डेकोर का जो सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पे अवश्य मिल जाएगा। तो आप देखते रहिए मोरबी अपडेट। थैंक यू सो मच।